हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी है टाइम 2 बजे का और हम जा रहे हैं सभी अभी लंगर खाने के लिए, जो हमारे घर के पास में ही है, मतलब थोड़ी दूर में है। जाएंगे तो हम गाड़ी में, पर आज 2 जगह भी धाम है। एक जगह मेरे हस्बैंड जा रहे हैं और पापा और सिन्या, और दूसरी तरफ जा रहे हैं मैं, मम्मी और भैया। तो दोनों जगह कवर हो जाएंगी और स्वरित भी रेडी है, सभी बच्चे हैं, सभी मतलब दोनों बच्चे भी रेडी हो गए हैं। मैं थोड़ा सा अपना कमरा ठीक कर रही थी और मैं भी मम्मी रेडी, और उसके बाद हम जाएंगे थोड़ी देर अपने मायके। तो उसके पास में क्या क्या आएगा वो मैं आपको रास्ते में दिखाती हूँ। और गर्मियाँ शुरू हो गई है, देखिए हमारे कपड़े एकदम ठंडे ठंडे निकलने शुरू हो गए हैं, और कल भी काफ़ी गर्मी थी इसलिए आज भी गर्मी है, तो मैंने ही ओपन ओपन सूट डाला है। तो चलते हैं घर से और आपको दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या दिखता है आज। चलो चलो, कपड़े नहीं फट जाए इसे रे। ये बाइक का सब दिख रहा जी, धाम खाने। तो यहाँ से अब हम चलेंगे पैदल और आगे जाते हैं मंदिर। जो मेरा बच्चा, ये इनका बच्चा है, चाचू का बच्चा है ये ना, है ना सारी? चलो।
तो यहाँ पे लोगों के घरों के बीच में से होकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहीं पे है मंदिर के लिए रास्ता। तो बीच में ये देखिए आसपास लोगों के घर हैं, तो इनके आगे ही मंदिर है। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं जहाँ पे था लंगर। तो ये एक बड़ा सा खेत है जहाँ पर वो धाम खिलाते हैं। तो अभी जब हम पहुँचे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग पहले से ही बैठे हुए थे, तो अभी हमारा नंबर नहीं लगा। तो इसीलिए मम्मी और हम सभी ने सोचा कि पहले जो यहाँ का मंदिर है शिव जी का, वहाँ जाएंगे मत्था वगैरह टेकने के लिए। तब तक यहाँ पे भी लोग फ्री हो जाएंगे। तो पहले हम लोग गए थे मंदिर में, तो इसी के साथ में ही है मंदिर। और यहाँ पे ये देखिए लोग सब मंदिर से भी आ रहे थे वापस, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, आते जाते थे लोग बीच बीच में। तो हम लोग भी पहुंच गए और अपने टर्न का वेट कर रहे थे। यहाँ से ही छोटा सा रास्ता, कच्चा रास्ता है, और ये जो मंदिर है वो इसके पास में ही बहुत बड़ा भी पत्थर का जो पेड़ है वो भी है, जो हम शिवरात्रि के टाइम में ही से लेकर आते थे पूजा के लिए। तो अभी भी यहाँ पे हरा भरा पेड़ काफी बड़ा है, और जो हमारे दुकानें हैं वहाँ पर भी ये रखे जाते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को पता है कि यहाँ पे मिल जाते हैं तो वहाँ से लोग ले लेते हैं। तो ये बाहर थोड़ा सा इन्होंने शिवलिंग सा बनाया हुआ है दूध वगैरह चढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी सुबह शायद हवन वगैरह हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कुछ हवन की चीज़ें रखी हुई थी मंदिर के पास में। तो अब यहाँ पे करते हैं जल्दी से पूजा। यहाँ पे कुछ लोग हमसे पहले थे तो उनके आने का वेट किया जा रहा था। तो यहाँ पर पूजा करने के बाद हम वापस आ गए थे जहाँ पर धाम खा रहे थे लोग, और इतना ज़्यादा रश था कि लोग मतलब सफाई होने से पहले ही खड़े हो रहे थे जाकर, और हो गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो टर्न का आने का वेट करना पड़ सकता था फिर से हमें। इसीलिए हम लोग पहले अपनी जगह पे खड़े हो गए थे। तो बस उसके बाद उन्होंने झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद हमें पत्तल वगैरह मिलना शुरू हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे लगे हुए थे खाना देने के लिए, जो भी पतले और गिलास वगैरह नैपकिन दिए जाते हैं उसके लिए, जो गांव के छोटे बच्चे थे वही काम कर रहे थे, और काफ़ी एक्टिव भी थे बच्चे। मेरे सरीत को नींद लग गई थी क्योंकि उसका सोने का टाइम था और हम आए थे धाम के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और बार बार मतलब उठने की जिद कर रहा था कि चलो। तो मैं उसको बड़े मतलब बहानों से कभी पानी पिला रही थी या कभी सूखे चावल ही खिला रही थी, तो उसको मना रही थी। तो उसका ध्यान खाने की तरफ गया तो फिर थोड़ी देर वो बैठ गया, बीच बीच में फिर से उसका मूड ख़राब हो रहा था, तो मैं उसको अपना पर्स भी दे रही थी साथ में। तो हमें यहाँ चावल मिल गए हैं, और ये देखिए मिल गई है मूंग की दाल। मैंने पहले भी आपके साथ अपनी पहाड़ी धाम शेयर की है, ये देखिए ये मेरा पर्स लेकर बैठ गया अब काटने को। तो धाम खा रहे थे हम सभी, हमारे यहाँ नीचे बैठ के ही धाम खाई जाती है, सभी लोग साथ में बैठ के खाते हैं। यहाँ पर आ गया है मदरा, और काफ़ी अच्छा मदरा था, टेस्टी था, मतलब धाम का अच्छा ही होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद ये हमें जो मक्की के लड्डू बनाए जाते हैं वो भी दिए थे, और मैंने और मम्मी ने भी बड़े चाव से लिया और खाया भी था। और मैंने अपने धाम की जो भी चीज़ें थी सब कुछ मैंने अपने स्वरित को भी चखाई, मतलब खा रहा था वो भी शौक से। तो हर एक चीज़ लास्ट में जो हमारे यहाँ खट्टा दिया जाता है वो भी उसको खिलाया, तो काफ़ी उसने मज़े लेके खाया आज। तो धाम खा के आ गए हम वापस, अभी बस घर के लिए निकल रहे हैं। मम्मी पीछे से आ रहे हैं और मैं थोड़ा आगे हूँ। चारों तरफ लोगों ने गेहूँ लगाया है खेतों में। यहाँ पे है जेल का व्यू जो हमारे यहाँ राजसभा में बनी है,
यहाँ पे उसकी बाउंड्री दिखाई दे रही है। मेन गेट तो शायद ऊपर से है, वहां से होगा ऊपर से, यहाँ से नहीं है। तो यहाँ पे कच्चा रोड है बीच में, और यहाँ पे कुछ शायद काम भी लगा है रास्ते में। तो काफी टेस्टी धाम थी आज भी। हम आगे सभी वापस धाम खा के, काफी अच्छी टेस्टी धाम थी और काफी दिनों के बाद भी खाई है। और काफी बड़ा एरिया है और चारों तरफ का व्यू तो आप लोग देख रहे होंगे, सारा कुछ ग्रीन ग्रीन है। अभी गेहूं का सीजन है तो काफी ज्यादा खेतों में गेहूं लगा है, और ये जो बड़े बड़े पेड़ है इनमें भी फूल निकल आए हैं अभी, और काफी अच्छा है सब कुछ। अभी नीचे हमारी गाड़ी है तो अभी हम गाड़ी के पास ही जा रहे हैं अपनी, तो चलते हैं उसके बाद आगे। तो इस तरह से रही आज हमारे दिन की धाम जो मैंने आपको दिखाई। वहाँ पे शिव जी का जो आपने मंदिर देखा, वहाँ पर हर साल ही धाम दी जाती है, मतलब शिवरात्रि के दिनों के बाद। यहाँ पे काफी दिनों के बाद रखते हैं धाम, क्योंकि हमारे यहाँ आसपास के जो भी मंदिर है वहाँ पर भी मतलब शिवरात्रि के लिए लंगर लगाए जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे लास्ट में देते हैं। तो अभी इतने दिनों के बाद उन्होंने दिए धाम, तो ऐसा था कि काफी ज्यादा लोग थे, पर थोड़े से लोग डिवाइड हो गए थे क्योंकि हमारे यहाँ पास में ही एक और शादी थी, तो थोड़े लोग उस तरफ चले गए और थोड़े लंगर के लिए आए हुए थे। लेकिन फिर भी काफी ज्यादा भीड़ थी, और आप लोगों ने देखा कि काफी अच्छा अरेंजमेंट भी था, और खाने में धाम भी काफी अच्छी थी, और जो शिव जी का प्रसाद था काफी अच्छा टेस्टी बना हुआ था, तो काफी अच्छा रहा और मजा भी आया खाने में। और स्वरित को भी मैंने आज बड़ी ज्यादा धाम खिलाई और काफी ज्यादा शौक से खा भी रहा था। तो इसी तरह से रहा आज का मेरा दिन, और आगे के व्लॉग में क्या आने वाला है वो आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में ही मिलेगा। तो अभी है रात का टाइम और मैंने स्वरित को अभी सुला दिया है, तो आज के व्लॉग को यहीं पे क्लोज करने वाली हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज़ वीडियो वॉच किया करें, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।